हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस गांधी। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए सामान्य विज्ञान विशेषांक पर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे जो बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन से कवक, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घास। तो प्रश्न संख्या जो एक है, निम्नलिखित में कौन अपघटक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक हो जाएगा। कवक अपघटक का उदाहरण है जो मृत जीवों को प्रकृति में मुक्त करने का काम करता है। प्रश्न संख्या दो है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन से ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो प्रश्न संख्या जो दो है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। प्रश्न संख्या तीन है, प्रश्न है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन से ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता और ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। तो प्रश्न संख्या जो तीन है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। तो उत्पादक कहलाते हैं हरे पेड़ पौधे। प्रश्न संख्या चार है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से ए प्रिज्म का, ऑप्शन बी दर्पण का, ऑप्शन सी लेंस का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या पाँच है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन से ए मीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है लीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या पाँच, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किलोग्राम केजी होता है। द्रव्यमान का इसी मात्रक केजी होता है। प्रश्न संख्या छह है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ऑप्शन से ए लिथियम, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो प्रश्न संख्या छः, सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है वह हीरा है। प्रश्न संख्या सात है, प्रश्न है निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन से ए लोहा, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है एंटीमनी। तो प्रश्न संख्या जो सात है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
एंटीमनी यानी निकेल। प्रश्न संख्या 8 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, ऑप्शन से ए सोल्डर, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है गन मेटल और ऑप्शन डी पीतल। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है, ऑप्शन से ए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है धोवन सोडा या वाशिंग पाउडर, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा या इसको खाने का सोडा भी कहते हैं और ऑप्शन डी है जिप्सम। तो प्रश्न संख्या जो 9 है यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम जो है वो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्रश्न संख्या 10 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन से ए डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है बोल्ट और ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। प्रश्न संख्या जो 10 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 11 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन से ए सूखे पत्ते घास, ऑप्शन बी है पॉलीथीन बैग, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूखे घास एवं पत्ते। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस 2023 के लिए विज्ञान के कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं वे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।